ये वाली बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अपने पास अल्फा वन इंटू ये वैल्यू क्या बनेगी बताओ, ये कहीं पर आई भी आएगा, कहीं पर बीच में जे भी आएगा अपने पास जे, ठीक है। देखो अल्फा वन और ये वन का जे के साथ, वन की वैल्यू जे है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या बनेगा, आई पी क्या बनेगा इसका, जीरो बनेगा क्योंकि ऑर्थोगोनल दे रखे हैं। प्लस अल्फा टू इंटू ये भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा। प्लस सोन प्लस ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वी जे का, वी जे के साथ आई पी क्या बनता है, नॉन जीरो। तो मैं बोलूँगा ये बनेगा अल्फा जे इंटू नॉन जीरो वैल्यू, क्या बोलेंगे, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू। प्लस आगे वाले सारे क्या बनते रहेंगे, अल्फा जे प्लस वन इंटू जीरो बनेगा, प्लस सोन अल्फा एन इंटू जीरो ये भी क्या बनेगा, जीरो। सारे जीरो वाले जीरो बन गए हैं, बस एक ये नॉन जीरो बचा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा कि यहाँ पर अल्फा जे इंटू नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इक्वल टू क्या बना है, जीरो आंसर बना है। अब बताओ समथिंग इंटू समथिंग अगर जीरो है, इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू जीरो है या फिर ये जीरो है, ये तो नॉन जीरो दे रखा है, इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा, अल्फा जे को जीरो होना पड़ेगा, अल्फा जे। अब बताओ अल्फा जे जीरो है, मतलब जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n कुछ भी लिख दूँ n तक, तो अपने पास क्या बनेगा, अल्फा वन भी जीरो, अल्फा टू भी जीरो, अल्फा थ्री भी जीरो, अल्फा फोर भी जीरो। तो सारे सारे क्या बने अपने पास, इसके लिए फोर ऑल जे इजिकल टू वन से लेकर के एन तक बार, इसका मतलब क्या होता है, 1, 2, 3 n तक, वन से 1, n के ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, n। इसका मतलब अपने पास क्या है, ऑल अल्फा जे क्या है, इक्वल जीरो है, किसके लिए, फोर ऑल जे इजिकल टू 1, 2, n के लिए। देखो हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पर इधर ऊपर लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर जीरो रखा था, तब उस केस में सारे के सारे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन कैसे आए हैं, जीरो आए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज अपने पास ये अल्फा है ना, अल्फा जे इजिकल टू बना है जीरो, तो इसका मतलब है दैट इज एस सेट इजिकल टू, दैट इज सेट एस इजिकल टू वी वन कोमा वी टू कोमा वी एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये अपने पास थ्योरम थी जिसमें हमने प्रूव किया है कि अगर कोई सेट किसी वेक्टर सब स्पेस के एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो क्या बनता है हमारे पास, अगर कोई सेट हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर अब वी अपने पास क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है एंड वी वन वी टू वी थ्री वी एन सब क्या है, कैपिटल वी के एलिमेंट है, तो अगर एस सेट बना देता हूँ मैं वी वन कोमा वी टू कोमा वी थ्री कोमा वी एन लेकर के, तो अगर ये एस सेट कैसा है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट कैसे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट हैं, नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्थोगोनल सेट है ये, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सेट कैसा बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, अगर जीरो वेक्टर इसमें आ गया तो जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसलिए एल आई नहीं बन पाएगा, इसलिए जीरो एलिमेंट को हटा करके हमने बात की है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई आप लोगों सभी को। तो अपने पास आज मैंने आप लोगों को इस क्लास में पढ़ा दिया है, अभी अभी जो हमने क्लास ली है उसमें पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पहले तो एक थ्योरम करवाई थी वो जिसमें हमने पढ़ाया था कि आई पी ऑफ यू कोमा वी का मोड लेस देन इक्वल टू क्या होता है, नॉम ऑफ यू इंटू नॉम ऑफ वी होता है। उसके बाद एक थ्योरम करवाई थी जिसमें मैंने आपने 6 प्रॉपर्टीज पूरी करवाई थी, ओके। फिर हमने बात की थी ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट, और उसके बाद बात की है ऑर्थो नॉर्मल सेट की, ऑर्थो नॉर्मल सेट, और सबसे लास्ट में हमने बात की है
एक थ्योरम की, जो कि ऑर्थोनॉर्मल सॉरी जो कि ऑर्थोगोनल सेट और एलआई सेट के अंदर मतलब रिलेशन बता रही थी। ओके, तो ये हमने आज की क्लास में स्टडी की है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।